नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वैदिक सनातन परंपराओं के अनुसार गुरुओं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेहंदी घाट पर भंडारे का हुआ आयोजन। मेहंदी घाट पर शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर LIU कर्मियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से आए श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए मेहंदी घाट स्थित आश्रम में रहने वाले स्वामी गणेशानंद महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मेहंदी घाट पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते व COVID-19 महामारी के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को संक्षेप में किया गया। उन्होंने कहा कि ये गुरुओं की परंपरा रही है और वैदिक सनातन धर्म को धर्म में गुरुओं का सम्मान किया जाता है, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज ये किस तरह का आयोजन किया गया यहाँ पर भंडारे का? हमारे यहाँ प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम किया जाता था जी, मगर इस बार लॉकडाउन भी चलते और उधर कोरोना काल के चलते एक अपना शगुन बना लिया है छोटा पूरा अपना कार्यक्रम, तो मगर एक गुरु की परंपरा की और वैदिक सनातन धर्म की जो संस्था हमारे गुरु की सम्मान किया जाता है और गुरुजनों का सम्मान बढ़ाया जाता है, अपना शगुन मना लिया, थोड़ा संक्षेप में कर लिया है, ज़्यादा भारी प्रारूप में भंडारा नहीं किया। लगभग कितने लोग आए हुए भंडारे में आयोजन? अरे भंडारे में 100-200 आदमी पा गए होंगे जो है जी। हाँ, क्या नाम है आपका स्वामी जी? हमारा नाम जो है बाबा गणेशानंद जी है। ये कहाँ पे भंडारा चल रहा है? मेहंदी घाट स्थित, हमारा मेहंदीपुर के नाम से ही मेहंदी घाट बोला जाता है, मेहंदी घाट पे ही भंडारा चल रहा है।